कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमियान। और यहाँ पर आज एक ब्यूटिशन कोर्सेज की क्लासेस जारी है, ख़वातीन की कसीर तादाद है और इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है। आइए बात में नाम बताइए। मेरा नाम मरियम है। मरियम ऊंची आवाज़ में बात करें, खाना खाया? हाँ जी हाँ जी, मरियम नाम है मेरा। अच्छा मरियम, ये बताइएगा मेकअप के बगैर औरत का जो हुस्न है वो ज़्यादा अच्छा लगता है या मेकअप के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो मेकअप है वो औरत का श्रृंगार है और वो बना ही औरत के लिए है। ठीक है, वैसे भी लड़कियां प्यारी लगती हैं लेकिन मेकअप के साथ चार चांद लग जाते हैं। तो चार चांद मरियम किसी दौर में सिर्फ वो सुरमा और लिपस्टिक वाला सिस्टम था, उसके बाद तो ये बड़े बड़े अजीब सी मैं देख रहा हूँ पैनाफ्लेक्सेस, ये क्या होता है, ये क्यों लगाना फ़र्ज है? ये नहीं फ़र्ज तो नहीं है लेकिन ये है कि ग्लोइंग के लिए मतलब हाँ जी होना चाहिए, ख़ास तौर पर ब्राइडल्स के लिए या पार्टी मेकअप के लिए। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं समझती कि डेली रूटीन में आप इतना मेकअप करें, लेकिन फंक्शंस वगैरह के लिए करना पड़ता है क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि ना करो तब भी ऑकवर्ड लगता है। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी मैं मैरिड हूँ। आपके हस्बैंड भी मेकअप करते हैं या नहीं? नहीं वो नहीं करते क्योंकि जेंट्स मर्द कर रहे हैं ना, मर्द कर रहे हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं माशाल्लाह से, वैसे ही बहुत खूबसूरत है, उनको ज़रूरत नहीं है। ग्रेट ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो नाम बताइए। मलाइका। मलाइका, मेकअप खातून के लिए कितना ज़रूरी है? विदाउट मेकअप ज़्यादा अच्छी औरतें लगती हैं या मेकअप एक कंपलसरी बन चुका है? नहीं ऐसा नहीं है, जो इजी जो भी कैरी करना चाहे, बहुत से लोग सिंपल इजी रहते हैं और बहुत से लोग मेकअप करके कंफर्टेबल होते हैं, तो मेरा ख्याल से तो अच्छा अच्छी बात है कि लोग अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। मलाइका आज मैंने काफ़ी दुल्हनें देखी यहाँ पर, उनके मुँह बड़े प्यारे थे, यकीन करो जब पाँव देखे ना मैंने इस पे आप बात करें इस पे मैं कोई बात नहीं कर सकती, यानी कि ये सच है। हाँ ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए पाँव हमारे जो होते हैं वो हार्ड, बहुत हार्ड हो जाते हैं, हाथ भी बहुत, हाथों का कलर पाँव का कलर डिफरेंट हो जाता है, कुछ सीजन की वजह से ऐसा हो जाता है और कुछ कुछ के नेचुरल होते हैं। मलाइका आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हैं, मतलब आपने भी मेकअप किया हुआ है? जी जी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी एक दुल्हन खड़ी है, ब्राइडल शूट है इनका, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। बुशरा राजपूत। बुशरा राजपूत, ये बताइएगा मेकअप के बगैर औरत का हुसन ज़्यादा अच्छा है? औरत का हुसन मेकअप के बगैर भी अच्छा है, मेकअप में भी बहुत अच्छा है, बट आपके लिए मेकअप बहुत ज़रूरी होता है। लाइक आप किसी फंक्शन पर जा रहे हैं, किसी इवेंट पर जा रहे हैं, शादी पर जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है, दैट्स इट। कितना खर्चा हो जाता है एक सिर्फ चेहरे को बनाने के लिए? ये मत पूछे, बहुत ज़्यादा। रफली आइडिया? तकरीबन 25,000। 25,000? इससे भी ज़्यादा, दैट्स इट, इससे भी ज़्यादा। गला ही मुक गई हैं जी, बस छोटो मिट्टी पाओ जी फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बताइएगा। राबिया फारूक। राबिया, मेकअप औरत के लिए लाजम मलजूम है? नहीं, उसकी अपनी चॉइस है, अगर वो अपने हस्बैंड वगैरह के लिए करती है या उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है तो वो कर सकती है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। यानी कि इतना मुंह पर वो थोपना नहीं चाहिए? नहीं, वैसे मुझे मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेकअप की क्लासेस में बैठी हुई? हाँ वो मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ इसलिए। अच्छा, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? ये खवातीन बहुत ज़्यादा चूना लगा रहती, मैं चूना ही कहता हूँ, उसका माइंड नहीं कहीजिएगा। नहीं ठीक है, चूना ही है, आप एक तरह से कह देते हैं, वो तो ऐसे लगता है जैसे आटे के अंदर मुंह मार के अभी उठ के आ गए, इतना बुरा लगता है। ये चीज़ ये इसको कहते हैं रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। ज्वेरिया। ज्वेरिया, मेकअप का काफ़ी बोझ है, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, ये सही बात है जी? अच्छा अच्छा, मेकअप खवातीन के लिए बना है, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा अगर खुदा ना खासा यहाँ पर बारिश हो जाती है, आपका मेकअप उतर जाता है, घर वाले पहचान लेंगे? जी पहचान लेंगे, की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। फौजिया परवेज। फौजिया, ये बताइएगा विदाउट मेकअप खातून ज़्यादा प्यारी लगती है या मेकअप के साथ? मेकअप के साथ ज़्यादा प्यारी लगती है। जब मेकअप नहीं हुआ करता था फिर क्या हालात होते होंगे? फिर भी ठीक ही थे, लेकिन आजकल मॉडर्न दौर है तो इसमें मेकअप से औरत की ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। नहीं आपने मेकअप नहीं किया हुआ, बड़ी प्यारी लग रही है, अगर आप मेकअप कर लेंगे तो फिर क्या बच्चे पहचान लेते हैं फिर? हाँ पहचान लेते हैं मुझे। खुदाना खासा बारिश हो जाए, मेकअप उतर गया तो फिर डर भी सकते हैं? नहीं डरेंगे, कन्फर्म। मैं लाइट सा मेकअप करवाती हूँ ना, इतना इसीलिए तो पूछा, जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती है वो ज़्यादा ओवर हो जाता है, पाँव उनके काले होते हैं, मुंह गोरा हो जाता है, ये फिर ज्यादती है ना फिर? जी ये तो ज्यादती है। हाँ ये तो ज्यादती है। बहुत शुक्रिया। नाम बताइएगा जी अपना प्यारा सा। माया शहजादी। माया शहजादी। मारा शहजादी, ये बताइएगा मेकअप औरत के लिए वाकई बना हुआ है,
लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा चेहरे पे थोपना होता है जिस तरह अभी आपने किया, मायना कीजिएगा इस बात का, तो ये ज़रूरी है? क्योंकि मैं अक्सर लड़कियों को देखता हूँ मेकअप बड़ा ज़बरदस्त किया होता है लेकिन पाँव उनके बड़े गंदे से काले से होते हैं, इसकी क्या वजह है? पाँव पे मेकअप नहीं होता? होता है ना, होता है, करना भी चाहिए। असल में जिससे तैयार होती हैं इसको देखना चाहिए कि हाथ और पाँव और फेस का कलर एक जैसा होना चाहिए। पिछले ज़माने में देखे होंगे ना, जो मेकअप करते थे पाँव और होते थे, आजकल तो बड़ा मॉडर्न टाइम है। कसम से मैंने कल भी लड़कियाँ देखी मॉडलिंग पे, वो उनके पाँव जो थे ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाला साहब था। जी जी, और मेकअप ज़्यादा की बात नहीं होती, जब कोई पार्टी फंक्शन होता है हैवी, जैसे अब अपने भाई की शादी पे ऐसे मॉडलिंग पे, तब तो मेकअप हैवी करना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी पार्टीज में फिर तो डिसेंट सा बंदा बने। पाँव काले हैं, वो पाँव के ऊपर भी बेस लगा ले। अच्छा, आपने मेकअप नहीं किया, आप माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं, तो पूरा मेकअप किया हुआ है लेकिन नो मेकअप है ये, जो दिखाई नहीं देता। मर्द भी मेकअप करते हैं? हाँ करते हैं, यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हुए हैं उन सब ने किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अफशीन नाज। ऊंची बोले, चावल खाए नहीं आपने? खाए है ना। अच्छा, मेकअप के साथ ज्यादा औरत प्यारी लगती है या मेकअप के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है? आपने मेकअप नहीं किया हुआ लेकिन आप बड़ी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। मैं मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे सिंपल अच्छा लगता है। लोगों को क्यों मशवरा दे रही हैं कि मेकअप किया जाए? बस वैसे ही। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरा हरीमा मानना। मेकअप आर्टिस्ट शानजे फातिमा फ्रॉम लाला मूसा। वाह क्या कहने हैं, आपका इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। मेकअप के बगैर औरत का हुस्न ज़्यादा अच्छा लगता है या मेकअप के अंदर? आई थिंक सो, मेकअप के साथ इनहेंस होता है लेकिन अल्लाह ने जो ब्यूटी दी है नो डाउट के अलहम्दुलिल्लाह। खुदा ना खासा ये माकी की छत ना हो, बारिश हो जाए और कुछ खवातीन के चेहरे पे अगर बारिश पड़ जाए तो वो अपने आप को पहचान लेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पहचानने में कोई मसला होगा। अच्छा, अल्लाह ने इतना हुसन दिया। जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करती हूँ हरीम के साथ। आप अपने व्यूज दें, उनके कॉपी मत करें आप। नो, मैं कॉपी नहीं कर रही, उन्होंने एग्जैक्ट बोला है और वो बिल्कुल करेक्ट बोला है और इसी तरह से ही है। और आपका जो खूबसूरती है वो आपके अंदर से आपके फेस पे रिफ्लेक्शन देती है, तो अंदर का खूबसूरत होना मेरे ख्याल में ज़्यादा मैटर करता है। बात तो आपने बड़ी पते की है लेकिन ये जो फिर इतना चूना वगैरह लगाते हैं फिर इसका क्या फ़ायदा है? नहीं, अब कोई चूना नहीं लगाता, अब तो वो जो जिन्होंने लेटेस्ट नहीं किया वही चूना लगाते हैं।